भारत को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। इसकी समृद्धि दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। इसी दौलत को लूटने को आक्रमणकारी आते थे। इनमें से कई खजाने ऐसे हैं जो गुम हो गए हैं। तो आइए जानते हैं इन खजानों के बारे में। बिंबिसर का खजाना। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिंबिसर मगध का राजा था। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में बिंबिसर का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर स्थित दो गुफाओं में सोने के भंडार हैं। पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसमें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बिंबिसर का खजाना माना जाता है कि इसमें से ही खजाने से जुड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन असफल रहे। लोगों के मुताबिक संभव है कि ये लिखे संकेतों से कहीं और छिपे खजाने का नक्शा मिल सके। नंबर 2, नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में न केवल हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे, बल्कि नादिर शाह पूरी दिल्ली को भी लूट कर ले गया था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात थे। नादिर शाह का खजाना। सालों से चली आ रही कहानियों के मुताबिक माना जाता है कि युद्ध के उस माहौल में नादिर शाह पूरे खजाने पर अपनी नज़र नहीं रख पाया। वापस आते वक्त नादिर शाह के काफिले से जुड़े बड़े अफसर और सिपा सहलारों ने इस खजाने का काफ़ी हिस्सा छिपा दिया। इस बेशकीमती खजाने को अभी भी खोजा जाना बाकी है। नंबर 3, राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी स्थान पर छिपा दिया था। ये कहानी कितनी ठोस थी इसका पता इस बात से चलता है कि आज़ादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश दिया था। राजा इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आधिकारिक रूप से ये खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और माना जाता है कि ये अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। नंबर 4, जहांगीर का खजाना। राजस्थान से 1500 किलोमीटर दूर अलवर का किला मौजूद है। इलाकों में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान अलवर में रह रहे थे। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहाँ किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। कई लोग मानते हैं कि ये खजाना अभी भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। श्री मौलाविक मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी तट में कोलूर में स्थित मौलाविक मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। ये भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप करते हैं। नंबर 5, मोजाम्बिका का खजाना। ऐसे में पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे, इससे मंदिर से जुड़े लोगों का संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाया करते थे। इस खजाने के अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आकी गई थी। अभी तक खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। अगर आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए।